एशिया कप 2018 का घमासान जारी है। जहां आपको बता दें कि बीती रात सबसे बड़े महामुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। बता दें आपको कि पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और टीम इंडिया को गेंदबाजी का न्योता दिया था, जिसके बाद टीम इंडिया ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तानी टीम को 161 पर समेट दिया और उसके बाद महज 30 ओवर के अंदर मैच को भी जीत लिया। आपको बता दें कि मैच के बाद पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद से जब पूछा गया कि क्या गलती हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा, तो सरफराज ने कहा कि हमने भारत के 2 स्पिनर्स के खिलाफ तैयारी कर रखी थी और हमने तीसरे का उतना ध्यान नहीं दिया था, जो हमारी तैयारियों की कमी साफ दर्शाता है। सरफराज ने कहा कि भुवनेश्वर कुमार भी काफी लय में गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय टीम और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं सरफराज अहमद भी मान गए हैं कि टीम इंडिया सबसे ज्यादा खतरनाक टीम है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।